दूसरी चीज, लड़की 1 ईयर क्या 1 डे के बाद भी डीवी फाइल कर सकती है। बाय द वे, लोग फोन के ऊपर तलाक 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 दे के तलाक कर दिया लोगों ने। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, तो उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना बेहतर है। तो क्या एक एंड रिजल्ट डिवोर्स होना ही बेहतर है, आपको क्या लगता है? ये मेरा इंडिविजुअल का थॉट है कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और आपको लगता है कि चीज़ें कैन नॉट बी वर्कड आउट टुगेदर, और आप साथ में रह रहे हो जिसमें दिन पर दिन आपका रिलेशनशिप में आप खुशी नहीं हो, आप हर रोज़ बस जीने के लिए जी रहे हो, देर इज़ नो हैप्पीनेस लेफ्ट, देर इज़ नो लव लेफ्ट, देर इज़ नो अटैचमेंट, नो अफेक्शन, तो मेरे को इंडिविजुअली ऐसा लगता है दैट इज इज़ बेटर टू गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप एंड मूव ऑन एंड पार्ट वेज। जो भी लड़का लड़की मेरे पास आते हैं वो, या लड़की आती है या लड़का आता है, कोई ईदर ऑफ द पार्टीज आती हैं, तो एंड रिजल्ट मैं उनको मुँह पे बोलती हूँ कि आपका डिवोर्स ही होगा एंड रिजल्ट। और ये भी नहीं कि डिवोर्स ही होगा, कई केसेस में रेस्टिट्यूशन भी पॉसिबल होता है, रेस्टिट्यूशन होता भी है। बट अगर आप देखो तो नॉर्मली आप सोचो कि अगर आपके मेरे बीच में इतनी टॉक्सिसिटी है दैट वी कैन नॉट इवन स्टैंड बाई ईच अदर, उसके बाद भी अगर आपको कोर्ट बोले कि साथ में रहना है, तो हम एंड विल एंड अप प्रॉब्ली एक दूसरे का, वो कहते हैं ना सर फाड़ेंगे हम एक दूसरे का, तो यही होगा। तो उससे बेटर है कि हम दोनों आपस में डिसाइड करें व्हेन वी गो हेड विद म्यूचुअल डिवोर्स एंड पार्ट आवर वेज एंड मूव ऑन इन आवर लाइफ। तो मेरा इंडिविजुअल परसेप्शन ऐसा है कि जिस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी अत्यंत है, बहुत ज़्यादा है, एंड यू थिंक यू कैन नॉट सर्वाइव टुगेदर, यू कांट इवन स्टैंड बाई ईच अदर, तो इट इज़ बेटर कि आप इसमें डिवोर्स लेके अलग हो जाएं। एंड ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं डिवोर्स प्रमोट कर रही हूँ इसमें, बट हाँ इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू पार्ट वेज। जैसे इंडिया में ना सबसे ज़्यादा डिवोर्स केसेज होते हैं, बहुत ज़्यादा डिवोर्स केसेज होते हैं इंडिया में, तो क्या होता है ना डिवोर्स के बाद एक टैग लग जाता है एक लड़की के ऊपर या एक लड़के के ऊपर, डिवोर्सी, या उसको बहुत ह्यूमिलेट भी किया जाता है या हो जाते हैं लोग जब नए रिश्ते की बात कर रहे हैं या नई चीज़ शुरुआत करने की बात करते हैं, तो डिवोर्सी का टैग होता है। तो क्या ये सही है या फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसको लेकर? सो आई एम, फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवोर्स लेना और डिवोर्सी होना इज नो मोर अ टैबू इन इंडिया। कोई टाइम था जब इसको बहुत सोशल प्रेशर मान जाता था, अगल बगल वाली आंटी आके बहुत बोलती थी हाय हाय क्या हो गया इसके साथ, हाय हाय कैसे हो गया, मतलब अफसोस की तरह इसको मनाते थे, ओहो आपके साथ पता नहीं कितना ही बुरा हो गया। लेकिन अब टाइम हैज़ चेंज अ लॉट एंड आई थिंक उसके साथ साथ लोगों की मेंटालिटी हैज़ चेंज अ लॉट एंड नाउ दे डोंट टैग इट। और बहुत सारे लोग हैं जो नाउ दे गोइंग अहेड विद सेकंड मैरिज, इनफैक्ट जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं उस पर भी आपको इजीली रिश्ते मिलते हैं। मुझे अभी भी याद है किसी टाइम पे लोगों की ये थॉट प्रोसेस था कि अगर आप डिवोर्सी हैं तो आपको अगर सेकंड, एंड इफ यू आर अ फीमेल तो आपको सेकंड मैरिज में जो लड़का मिलेगा या तो वो डिवोर्सी मिलेगा, उसका बच्चा होगा या एज ज़्यादा होगी। तो वो मेंटालिटी हमारी सोसाइटी में थी कि डिवोर्सी का टैग लग गया नो मैटर आपकी क्या एज है। अब सोचो सेकंड मैरिज के लिए तुम्हें बड़ा ही लड़का मिलेगा, शादी वो भी डिवोर्सी होगा, उसका बच्चा भी हो सकता है, सो यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज फॉर योर सेकंड मैरिज। हाउएवर अब के टाइम में और तब के टाइम में देर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज, और अब लोगों के लिए ना तो वो डिवोर्सी का टैग वाला टैग है और ना ही उनको इस चीज़ से फर्क पड़ता है। इनफैक्ट आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल मूविंग ऑन रियली वेल, वो अलग होके और डिवोर्सी होने के बावजूद भी दे स्टिल लिविंग एज एन इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट लाइफ कर ली, इंडिपेंडेंट लाइफ लिव कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर करियर आल्सो। तो आई डोंट थिंक इट्स अ टैग एनीमोर। पास्ट डिकेड में ना डिवोर्स का जो रेट है बहुत इंक्रीज हुआ है। सो मैम ये इतना इंक्रीज क्यों हो रहा है, मतलब क्या टॉप 5 रीजन आप बताना चाहेंगे कि टॉप 5 रीजन क्या होते हैं डिवोर्स के? डिवोर्स ऑब्वियसली बढ़ रहा है लास्ट एक डेकेड में या कुछ ईयर्स में, अगर आप देखेंगे तो डिवोर्स का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसमें सबसे पहला रीज़न मुझे जो लगता है वो है आपकी ईगोज। आप में से दोनों के अंदर अगर ईगोज क्लैशेस हैं और दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ या बेंड डाउन नहीं होना चाहता, तो वो ईगो क्लैशेस टर्न इनटू द डिवोर्स केसेस। एंड सेकेंडली, इफ़ द पार्टीज आर नॉट इंटरेस्टेड टू कॉम्प्रोमाइज़ विद ईच अदर, अब क्या हो गया ना विद द चेंजिंग टाइम लोग कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि मैं क्यों करूँ या मुझे क्यों करना चाहिए, इसको भी तो करना चाहिए, ये हमेशा ही मैं क्यों करूं, ये भी करे, ये चीज़ है। कई लोग बोलते हैं वर्किंग कल्चर चेंज हो गया है, टीवी मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस हो गया है, तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगी कि वर्किंग कल्चर चेंज हो, जस्ट दैट नाउ सिंस यू आर इंडिपेंडेंट तो आपको लगता है कि
मैं बर्डन नहीं हूँ और मैं इंडिविजुअली भी अपना अपने आप को चला सकती हूँ. सो इवन इफ आई गिव अ डिवोर्स टू माई स्पाउस, मैं उतना सक्षम हूँ लड़का या लड़की में से, मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं अपने आप को चला सकता हूँ. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वर्क कल्चर चेंज हो गया तो डिवोर्स केस बढ़ गए, बट हाँ आई थिंक नाउ पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग एज एन इंडिविजुअल. और आपका जब ईगो क्लैशेज होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कई लोग कहते हैं फैमिलीज बीच में आ जाती है, बट ऐसा नहीं है. बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं, एज अ कपल रहते हैं, तब भी उसमें हो जाता है क्योंकि उनको इतना टाइम मिल जाता है आपस में कि वो शायद एंटरटेन नहीं हो पाते एंड देन दे स्लीप टू डिवोर्स. आप कोविड पीरियड को याद करो ना, देयर लॉट ऑफ पीपल हु केम आउट एंड सेड कि हमें इतना टाइम कभी आज तक मिला ही नहीं, और अब इतना मिल गया कि या तो उनका लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया या फिर दे कांट स्टैंड बाई इच अदर, मतलब बिल्कुल ही नहीं देखना चाहते एक दूसरे को, जरूरत से ज्यादा उनका शुगर हो गया लाइफ में आई गेस. तो ये चीज़ है. आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे डिवोर्स को लेकर के, सो आप बता सकते हैं कि इनिशिएटिव कौन लेता है, एक मेल ज्यादा लेता है या फिर फीमेल ज्यादा लेती है? को ना हम अदर वे अराउंड भी कर सकते हैं. अगर आप मुझसे पूछते कि डीवी में इनिशिएटिव कौन लेता है तो मैं डेफिनेटली बोलती फीमेल. डिवोर्स में इनिशिएटिव कौन लेता है? देखो डिवोर्स कई बार ना एज अ काउंटर केस फाइल होता है. लड़की ने डीवी फाइल किया तो लड़का काउंटर में डिवोर्स फाइल कर रहा है. कई बार लड़के सीधा ही डिवोर्स केस फाइल करते हैं, कोई केस नहीं फाइल किया लड़की ने, लड़के ने सीधा डिवोर्स फाइल कर दिया, उसका ग्राउंड बना दिया मेंटल क्रुएलिटी. कुछ कुछ ग्राउंड जैसे होते हैं जो लड़के के सामने आते हैं, सपोज एडल्ट्री है, जैसे एडल्ट्री की लड़के को पास इंफॉर्मेशन आ जाती है या उसको प्रूफ्स मिल जाते हैं एडल्ट्री के, तो ऑब्वियसली वो उस वाइफ के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वो डिवोर्स फाइल करते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री. कुछ इस तरह के अगर रीज़न आपके ऐसे हैं जो हावी हैं तो वहाँ पर लड़का डिवोर्स फाइल करता है. अगर लड़की ने डीवी फाइल किया हुआ है तो लड़का काउंटर में डिवोर्स फाइल करता है. देर आर केसेज जहाँ पे मैंने फीमेल्स को देखा है एंड दे टेल मी कि हमें और कोई केस फाइल नहीं करना, बट वी वुड लाइक टू फाइल डिवोर्स स्ट्रेट अवे. तो हमारे साथ जो भी हुआ है वट एवर इट इज, बट नाउ वी वुड लाइक टू फाइल डिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल क्रुएलिटी एंड हरासमेंट. देर आर केसेज जहाँ पे इम्पोटेंसी एक बहुत बड़ा रीज़न है. दो IVF, IVI ये सब चीज़ें बहुत चल गई हैं, बट फिर भी लोगों को मैंने देखा है जहाँ पर इम्पोटेंसी एंड सेक्सुअल प्लेजर एक दूसरे की लाइफ में नहीं है एंड दे आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर फिजिकली एंड दैट इज़ वाई देर आर लॉट ऑफ फीमेल्स दे फाइल फॉर डिवोर्स. रीज़न उसका कुछ भी हो सकता है. देखो कई बार बहुत पर्सनल चीज़ें भी होती है दैट दे नॉट लाइक टू यू नो आई वुड नॉट से सोशलाइज बट दे डोंट वॉन्ट टू प्रॉब्ली से इट. बट बींग अ लॉयर और मैंने देखा है टू अ लॉयर एंड डॉक्टर आई थिंक लोग बहुत सच बोलते हैं. तो मैंने देखा है बहुत सारे केसेज में दे आर नॉट फिजिकली सेटिस्फाइड विद ईच अदर एंड दैट्स व्हाई दे फाइल फॉर अ डिवोर्स. Do we have any law against adultery or extramarital affair? Adultery के लिए तो मैंने आपको बताया, divorce के अंदर जो हमारे divorce के grounds दिए हों उसमें one of the very strongest ground is adultery. तो mental cruelty, adultery जो है, उसके अलावा impotency हो गया जैसे मैंने बताया, insanity हो गया, ये सब कुछ major grounds होते हैं divorce के लिए. तो उसमें adultery is one of the very strong grounds. तो यही इसके लिए law भी है. And if you file for divorce on the ground of adultery. Extramarital affair. Extramarital affair के लिए मैम कोई law है या कुछ कर सकते हैं? मान लो एक अच्छी खासी शादी से अलग हो करके कोई लड़की या लड़का कहीं थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन में आते हैं या फिर जो भी extramarital affair होते हैं, तो उसके लिए कुछ law है या क्या कर सकता है? देखिए, extramarital affair, being an adult, you have a, I would not say you have a right to go to anybody else. Have an affair, but जैसे हमने adultery पे discuss किया, adultery पता होना और उसको प्रूफ करना दो बहुत different चीज़ें हैं. कोर्ट के अंदर adultery तब तक नहीं मानी जा सकती जब तक आप उनकी कोई illicit relationship, जब आप बोल रहे हैं illicit relationship है तो उसमें आपका आपके पास या तो कोई video ऐसा हो as an evidence जिसमें the other person is having an intercourse with the female or the vice versa, या फिर आपके पास फोटोग्राफ्स हो विद न्यूडिटी. तो अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आप एडल्ट्री प्रूफ नहीं कर सकते. अगर आप एक स्टेटमेंट बोल देते हैं दैट शी हैज़ और ही हैज़ इलिसिट रिलेशनशिप विद मैनी पीपल और विद समबडी, तो आपको उसका एक वो होता है ना प्रूफ होना चाहिए. बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप प्रूफ नहीं ले पाते, आप वीडियो नहीं बना पाते, आपको वीडियो नहीं मिली बट आपने आंखों से देख लिया.
बट आपके पास वो चांस ही नहीं है कि आपने वीडियो बनाई हो या फोटो लिया हो. देखो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव. आपके पास व्हाट्सएप चैट्स होती हैं नॉर्मली, बहुत सारे केसेस में देखा गया व्हाट्सएप चैट्स होती हैं, दे हैव ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आल्सो, जहां पर ये प्रूफ हो जाता है दैट दे आर इनटू अ रिलेशनशिप. नाउ इफ दैट रिलेशनशिप इज आल्सो सेक्सुअली एक्टिव रिलेशनशिप, दैट इज टू बी प्रूवन. ओके, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए. क्या ये लीगल है? ऑब्वियसली इलीगल वाला इलीगल भी नहीं है, बट देयर इज नो लॉ फॉर इट पर्टिकुलरली. ये तो इंडिविजुअल चॉइस होगी ना, कर सकते हैं या करना चाहिए. आई वुड सी इट द अदर वे अराउंड. अगर आपकी वाइफ और आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है और इतना अच्छा है, आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी नीड फॉर यू टू गेट इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. नॉर्मली जो लड़के मेरे पास आते हैं, जो मेल क्लाइंट्स आते हैं, जहाँ पर ऐसा उनको पता है कि उनकी वाइफ का किसी और के साथ रिलेशनशिप है, अगर आप उसका डीप डाइव इन करो एंड देन यू रियलाइज द रीजन, मोस्ट ऑफ द केसेस पता लगता है लड़का वाज बिजी वर्किंग और लड़की को कोई एक चाहिए था टू शेयर हर पेन एंड एग्नी. वहां पर जो बंदा जो पिक्चर में आ रहा है, जो थर्ड पर्सन आ रहा है, वो एक्चुअल में एक कंधा आ रहा है, वो शोल्डर है, और वो शोल्डर से होता होता देन इट गेट्स इनटू अ रिलेशनशिप. तो वो शायद ऐसा मोड पे आ जाता है जहाँ पे लड़की भी शायद रियलाइज नहीं करती. एंड लाइकवाइज अगर आप लड़के वाली साइड से देखो और आपको लगता है लड़के ने एक्स्ट्रा मैटर अफेयर क्यों किया होगा, तो वहां पे लड़की लड़के के पास यही लाइंस होती हैं कि ये मुझे टाइम नहीं दे रही थी, या शी वाज नॉट एबल टू सेटिस्फाई मी फिजिकली, या इसके कलेश बहुत थे, इसकी डिमांड्स बहुत थी. तो वो सब चीजें हैं. सो यू नो इट इज लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना चाहिए या नहीं, ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग. कोई लीगल प्रोविजन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए? कोई लीगल प्रोविजन नहीं है. आप इन्हीं सब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंदर अपने इलिसिट रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एडल्ट्री के बारे में मेंशन करते हैं. अगर फाइल करते हैं तो उसका एंड रिजल्ट क्या है? सिर्फ डिवोर्स ही होता है? क्या चीज फाइल करो डिपेंड लाइक अगर फाइल करा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, एडल्ट्री के लिए. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप ऐसे नहीं फाइल करते ना, आप डिवोर्स के अंदर एडल्ट्री को ग्राउंड बना के फाइल करते हो. तो डिवोर्स ही फाइल किया है और एडल्ट्री इज अ ग्राउंड. इफ एडल्ट्री इज प्रूवन इन द कोर्ट देन द कोर्ट ग्रांट्स द डिवोर्स टू द पार्टी फाइलिंग इट. सपोज एक वाइफ ने फाइल किया है अगेंस्ट द हस्बैंड और एडल्ट्री ग्राउंड एंड शी इज एबल टू प्रूव इट आल्सो, तो कोर्ट उसको डिवोर्स ग्रांट कर देगा लड़की को. लाइकवाइज लड़के ने अगर एडल्ट्री का ग्राउंड पे केस फाइल किया है और एडल्ट्री प्रूव हो जाता है कोर्ट में, तो फिर लड़की को डिवोर्स ग्रांट हो जाएगा. देखिए डिवोर्स फाइल कोई भी पार्टी करे, आप उसको मना नहीं कर सकती कोर्ट कभी भी कि तुमने डिवोर्स फाइल किया मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी. किसी ना किसी स्टेज पे जाके वो ग्रांट होगा ही होगा. द ओनली थिंग द अदर पार्टी कुड डू इज फाइल अ रिप्लाई. वो अपना पक्ष रख सकती है कि मुझे रेस्टिट्यूट करना है या नहीं करना. हम डिवोर्स मतलब रेस्ट ले सकते हैं या रेस्टिट्यूट का मतलब होता है साथ में रहना शुरू करना. कि लड़के ने डिवोर्स मांगा है, लड़की कहती है नहीं मुझे तो साथ में ही रहना है और मैं इससे अलग नहीं हो सकती किसी भी ग्राउंड पे, तो वो लड़की उसको रेस्टिट्यूट करना चाहती है. तो भी उस केस में भी अगर आप एंड तक भी बोलते रहते हो नहीं मुझे साथ ही रहना है, तो भी कोर्ट फाइल तो डिवोर्स हुआ है ना, तो कोर्ट जो अपना फैसला लेगी वो जो लड़के ने फाइल किया है उसके बेसिस पे लेगी, ना कि जो लड़की डिमांड कर रही है. तो प्रायोरिटी वुड बी गिवन टू द पर्सन फाइलिंग फॉर अ डिवोर्स. डाउरी का किस तरह केस कर सकते हैं? डाउरी में मतलब डिवोर्स भी ले सकते हैं या फिर इसका कुछ अलग प्रोसेस है? डाउरी बेसिकली आप 498A के अंदर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और कंप्लेंट फाइल करते हैं. आपका FIR होता है. FIR होने के बाद पुलिस अपनी चार्जशीट बनाती है, उस पर इंक्वायरी बिठाती है, चार्जशीट बनाती है एंड देन दिस गोज टू द कोर्ट. और उसके बाद कोर्ट फैसला करती है कि लड़के वालों ने डाउरी ली थी या नहीं ली थी. तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस दो, बट 498A का फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू द पुलिस स्टेशन एंड फाइलिंग अ कंप्लेंट, लॉन्चिंग एन FIR. उसके बाद फिर आपका इंक्वायरी और वहाँ से चार्जशीट और कोर्ट में आना केस का, और जैसे नॉर्मल एक कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है वो फॉलो करती है. फर्स्ट स्टेप गो टू द पुलिस स्टेशन एंड फाइल अ कंप्लेंट और फाइल इट, लॉज एन FIR. मैम शादी के एक साल के अंदर भी क्या डिवोर्स फाइल कर सकते हैं, डिवोर्स ले सकते हैं? इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दीज डेज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि क्या शादी के एक साल के अंदर अंदर हम डिवोर्स फाइल कर सकते हैं. नहीं, तो एक्चुअल में शादी अगर आपकी एक साल नहीं हुए कंप्लीशन हुए हुए तो आप डिवोर्स फाइल कर सकते हो, बट नॉर्मली कोर्ट इसको मीडिएशन में भेज देती है, या फिर इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल दैट यू फाइल अ केस आफ्टर वन ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर मैरिज. क्योंकि देखो शादी का एक साल जो है ना वो बहुत टीजिंग पीरियड माना जाता है. आप नए नए हो, आप अपने घर से अलग आए हो, आपकी अपब्रिंगिंग अलग है, लड़की की अपब्रिंगिंग अलग है, एक नए घर में आए हो जहाँ पर
जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको आपकी आदत नहीं है, तो वो एक बार रहने में या उस जगह पे आपको अपने आप की जगह बनाने के लिए यू नीड सम टाइम। इसलिए वो 1 ईयर का प्रोविजन है दैट इफ योर मैरिज इज नॉट इवन 1 ईयर ओल्ड तो आप वहाँ पर, अगर आप केस ऐसा नहीं फाइल नहीं कर सकते, फाइल कर सकते हो बट फाइल करोगे तो वो मीडिएशन में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आप 1 ईयर के बाद फाइल करो तो उसमें मीडिएशन, जैसे मैं बताया मीडिएशन तो आप कभी भी ले सकते हो बट उसमें कोर्ट कंसिडर करता है उस केस को इन अ बेटर वे। और दूसरी चीज, लड़की 1 ईयर क्या 1 डे के बाद भी डीवी फाइल कर सकती है बाय द वे, क्योंकि अगर उसको इफ शी इज बीन हैरेस्ड इन एनी विच वेज तो वहाँ पे वो 1 ईयर वाला कोई प्रोविजन नहीं होता, क्योंकि अगर कोई प्रताड़ित है, प्रताड़ित है ना, उसको पेन है तो पेन है, तो दैट कैन हैपन इवन इन 1 डे ऑफ मैरिज और 10 डेज ऑफ मैरिज, वो कभी भी फाइल कर सकती है। एंड बाय द वे द मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज इज द मोमेंट आपके फेरे हुए हैं हिंदू मैरिज में स्पेशली, आपने जैसे ही फेरे लिए हैं द गर्ल बिकम्स लाइबल फॉर मेंटेनेंस, द गर्ल कैन फाइल फॉर डीवी, वो आप समझ लो स्टैम्प हो गया उसके साथ। तो ये चीजें हमारे लॉस के अंदर दी गई हैं। मुस्लिम्स के लिए भी मतलब बहुत इजी बन गया, हो गया क्या डिवोर्स फाइल करना और डिवोर्स ले लेना? मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग से एक्ट दिया गया है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग से एक्ट दिया गया है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, ये सब अलग अलग एक्ट दिए गए हैं। डिवोर्स का प्रोसीजर सेम होता है सब में, सिर्फ सेक्शन चेंज हो जाते हैं। डिवोर्स के ग्राउंड ऑलमोस्ट ऑल सेम होते हैं, सिर्फ सेक्शन उसके बदलते रहते हैं। तो अगर आप प्रोसीजर की बात करें, सेक्शंस की बात करें, इट इज ऑलमोस्ट द सेम प्रोसीजर, ओनली सेक्शन गेट्स चेंज। अब मुस्लिम मैरिज एक्ट में या मुस्लिम्स की शादी और तलाक के बारे में अगर बात करें, आपको पता है 3 तलाक ऑलरेडी खत्म हो चुका है, उसमें भी हार्ड कोर प्रोविजन थी जो कभी लोग फॉलो नहीं करते थे बिकॉज इनकम्प्लीट नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, बट लोगों ने वो इनकम्प्लीट नॉलेज को ही अपना हथियार बना लिया कि अच्छा यही पता है तो यही सच भी है। like तो what? जैसे तीन तलाक में आपको नहीं पता कि फर्स्ट तलाक बोलने के बाद, प्रनाउंस करने के बाद आपको एक गैप देना होता है, देन यू कैन यू प्रनाउंस द सेकेंड तलाक। जब आप तलाक 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 बोलते हो तो ये 3 तलाक के बीच में गैप होना चाहिए, बट किसने फॉलो किया आज तक और कौन देखने गया इफ इट इज बीन फॉलोड और नॉट? लोग फोन के ऊपर तलाक 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 दे के तलाक कर दिया लोगों ने, तो फॉलो तो नहीं हुआ ना, फॉलो सिर्फ अपनी कन्वीनियंस और कंफर्ट के हिसाब से हुआ। तो मुस्लिम्स के अंदर भी आप जब शादी या तलाक अप्लाई करते हैं तो उसमें मेहर की रकम आती है कि आपको मेहर की रकम पे ऑफ करनी पड़ती है। इनफैक्ट देयर इज अनदर प्रोसीजर जिसमें क्या होता है, जैसे मैंने बोला तलाक 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 फोन कॉल पे दे देते हैं, लाइक वाइज उसमें एक प्रोसीजर है जहाँ पे एफिडेविट लोग बनवाते हैं कि आज से मेरी शादी इस लड़की से, मेरा निकाह जो है वो इस पर्टिकुलर डेट पे इस पर्टिकुलर लड़की से इस जगह पर हुआ था और हमारे संबंध सही नहीं थे, इसलिए मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ। वो जाता है प्रॉफिट से साइन कराता है, 2 विटनेसेस उसके आगे, 2 विटनेस को साइन कराता है और ये एफिडेविट की कॉपी लड़की को भेज देते हैं, एंड दिस तलाक इज कंसिडर्ड वैलिड। तो आप ये सोचिए ना, इट इज वेरी सिंपल कि मैं आज एक मुस्लिम कपल शादी कर रहा है, कल वो आसानी से एफिडेविट के थ्रू से डिवोर्स भी दे सकता है। बट अगर आप कोर्ट के प्रोसेस की बात करें तो ऑब्वियसली कोर्ट में प्रोसीजर फॉलो होता है, इट्स अ प्रोसीजर लॉ, तो आपको प्रोसीजर और प्रोटोकॉल्स तो कोर्ट के फॉलो करने ही पड़ेंगे, विच इज सेम फॉर एवरीबडी। म्यूचुअल डिवोर्स का क्या प्रोसेस होता है आप बताना चाहेंगे? हाँ, तो एज एन एडवोकेट मैं सच बताऊँ, मुझे ना म्यूचुअल डिवोर्स बहुत पसंद है बिकॉज इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम एफर्ट मनी ऑफ माई क्लाइंट। इसमें आपका बहुत कुछ सेविंग्स होती है, इसमें गंद नहीं है टू बी ऑनेस्ट, इसमें एलिगेशंस नहीं है, इसमें बहुत कुछ सिंपलर है। हालांकि ये मेरे प्रोफेशन के हिसाब से आयरनी हो गया बिकॉज एक बार वंस इट इज डन आई डोंट गेट पेड देयर आफ्टर, बट आई थिंक आई रियली आई अप्रिशिएट पीपल हु थिंक कि हमें म्यूचुअल डिवोर्स लेके इट इज बेटर फॉर अस दैट वी गेट सेपरेटेड, एंड इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर जैसे मैंने खुशी खुशी से बताया। अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहते हैं अपनी वाइफ के साथ, बोथ द पार्टीज, इट इज एडवाइजेबल दैट यू साइन एन MOU। उस MOU के ऊपर आप अपनी कंडीशंस मार्क डाउन करते हैं, एग्जाम्पल कि मेरा स्त्री धन वापस होगा, लड़का मेरे सारे आर्टिकल्स वापस करेगा, वो लिस्ट ऑफ आर्टिकल अटैच हो जाती है। मान लीजिए बच्चा है तो बच्चे के लिए लड़का हर महीने मेंटेनेंस का एक्स अमाउंट देगा, या टोटल कॉम्पनसेशन है, मान लीजिए उन्होंने डिसाइड किया 10 लाख रुपीज, तो ये 10 लाख रुपीज मुझे पे करेगा। तो ये सारी जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, प्रॉपर्टी का हिस्सा देगा, कुछ भी जो भी आपने डिसाइड किया कि इन टर्म्स के ऊपर हम सेपरेट होना चाहते हैं, वो टर्म्स आप एक MOU में लिखते हैं। फिर आप फर्स्ट मोशन फाइल करते हैं,
फर्स्ट मोशन के अंदर वो एमओयू आप अटैच करते हो या जो भी आपकी कंडीशंस है वो साथ में अटैच करते हो. फर्स्ट मोशन इज नथिंग बट ये जो कंडीशंस आपने लिखी है उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वर्जन कि हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, वी हैव ट्राइड आवरसेल्फ, द फैमिलीज हैव ट्राइड, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, हेंस वी हैव डिसाइडेड टू गेट सेपरेटेड बाय द वे ऑफ म्यूचुअल डिवोर्स. ठीक है, उसके अंदर फिर आप अपनी कंडीशंस लिखते हो कि वी गॉट मैरिड एंड सो एंड सो डेट एंड नाउ दीज आर आवर टर्म्स, कि ये मिलेगा, ये देना है, लड़की भी वापस करती है, तो जो भी आपके टर्म्स है वो आप करते हो. अच्छा, जब एमओयू बनाते हैं ना तो उसमें हम पीरियड बाउंड करते हैं कि जैसे आर्टिकल्स वापस आने तो वो आर्टिकल फर्स्ट मोशन पे वापस आएंगे कि सेकंड मोशन पे वापस आएंगे. आप वो सब चीजें टाइम बाउंड कर देते हो. मनी आना है तो 50% हैज टू बी पेड ऑन फर्स्ट मोशन, रेस्ट 50% हैज टू बी पेड ऑन सेकंड मोशन. सो एवरीथिंग हैज टू बी टाइम बाउंड. जैसे बच्चे का मान लो खर्चा देने के लिए रेडी हो जाता है हस्बैंड, तो बच्चे का कब तक खर्चा है, जब तक वो 12th करता है, या बच्चे की शादी तक का खर्चा, या उसकी हायर एजुकेशन तक का खर्चा? कस्टडी हस्बैंड के पास है और जो लेडी है फीमेल वो ज्यादा अर्न करती है, वाइफ ज्यादा अर्न करती है, तो क्या इस केस में वो इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस. ओके, लड़की विजिटेशन मांग सकती है, म्यूचुअल डिवोर्स है ना, तो मैं अपनी कंडीशन रख सकती हूं, आप अपनी कंडीशन रख सकते हैं, अपनी विल पे वो दे सकती है या जो उनके आपस में टर्म्स डिस्कस हुए हैं. क्योंकि हम म्यूचुअल डिवोर्स की बात कर रहे हैं तो म्यूचुअल डिवोर्स का मतलब है कि हमने हार्मनी पीस से हमने चीजें डिस्कस करी हैं. तो जब हम आपसदारी में चीजें डिस्कस कर रहे हैं पीस एंड हार्मनी से, तो ऑब्वियसली हम उसमें चीजें ऐसे ही डिस्कस करेंगे ना कि क्या तुम मुझे बच्चे का खर्चा देना चाहते हो, और देना चाहते हो तो कितना और कब तक. मैंने क्या बोला, सब कुछ टाइम बाउंड होगा, उसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं होती जो टाइम बाउंड नहीं होती. फिर उसमें हम ये कंडीशन लगाते हैं कि आप इसके होने के बाद मुझे किसी भी तरह से डिफेम नहीं करोगे, मेरी फैमिली या मेरे ऊपर कोई भी मैट्रिमोनियल रिलेटेड केसेस नहीं डालोगे, जैसे 498A हो गया, मेंटेनेंस हो गया, DV हो गया, कोई भी केस आप मेरे या मेरे परिवार के ऊपर नहीं डालोगे, लड़का लड़की के प्रमाइसिस में नहीं जाएगा, ऑफिस एरिया में, मतलब जो भी आपकी टर्म्स है आप उसको पेन डाउन करते हो फर्स्ट मोशन के अंदर. एंड देयर इज देन अनदर वर्ड कॉल एट कूलिंग ऑफ पीरियड. आपने सुना होगा बहुत बार बोला जाता था कि फर्स्ट मोशन सेकेंड मोशन में 6 महीने का गैप सेपरेशन इज मैंडेट, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ करने के लिए हमें प्रोविजन दे दिया. तो आप कूलिंग ऑफ पीरियड वेव ऑफ करने की एक एप्लीकेशन लगाते हैं जिसके अंदर फर्स्ट मोशन होने के बाद विद इन 22 डेज, मतलब विद इन 22 डेज मिनिमम गैप होना चाहिए, मैक्सिमम अप टू 6 मंथ्स, इस गैप के अंदर आप सेकंड मोशन फाइल कर सकते हो. तो सपोज आपने 1 मई को अगर फर्स्ट मोशन फाइल किया है तो आप 23 मई को आप सेकंड मोशन फाइल कर सकते हैं. 23 मई से लेकर 6 मंथ्स तक कभी भी फाइल कर सकते हो. ठीक है, तो आप सेकंड मोशन फाइल करते हो, दैट्स योर फाइनल मोशन. सेकंड मोशन पे आपका जितना भी पेमेंट आनी है या सामान आना है, जो भी आपके टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपका सब कुछ आ जाना चाहिए. वंस दैट इज डन, कोर्ट के सामने आप जाते हो, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हो कि सब कुछ मिल गया, आप बोलते हो हाँ मिल गया, साइन करते हैं, देन यू गेट योर डिक्री ऑफ डिवोर्स विद इन 2 वीक्स टाइम. सो फर्स्ट मोशन, रिकॉर्डिंग ऑफ फर्स्ट मोशन, 23 डेज का गैप, 22 डेज मिनिमम गैप, फाइलिंग ऑफ सेकेंड मोशन, रिकॉर्डिंग ऑफ सेकेंड मोशन, साइनिंग ऑफ पेपर्स, गेटिंग द डिग्री. सो दिस इंटायर प्रोसीजर अगर आप कैलकुलेट करें तो इट्स लाइक 1.5-2 मंथ्स मैक्सिमम टू गेट योर डिग्री. तो आप सोचिए ना कितना टाइम एफर्ट मनी, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में, वो सेव हुआ दोनों पार्टीज का, एंड देन दे कैन कैरी ऑन इन देयर वेज. क्या हम इसको समराइज करके एक बार आप बता सकते हैं क्विकली जो भी हमने डिस्कस किया? हाँ बिल्कुल अयान. सो बेसिकली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की जब हम बात करें तो कुछ मेजर चीजें बहुत क्विकली हम बताएंगे. डोमेस्टिक वायलेंस, एनी फीमेल हु इज अ विक्टिम और जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली, फाइनेंशियली, इफ शी इज बीन हैरेस्ड इन एनी विच वेज, तो वो DV का केस फाइल करेगी. DV एक्ट के अंदर उसको रेमेडीज दी गई है फ्रॉम 12 to 29, जिसमें आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर, रेजिडेंशियल राइट्स, मेंटेनेंस, कस्टडी, कॉम्पनसेशन. देखो मेंटल हैरेसमेंट के लिए कोई कॉम्पनसेशन नॉर्मली नहीं हो सकता क्योंकि किसी का पेन का आप क्या वैल्यू लगाओगे ना, बट स्टिल उसमें कॉम्पनसेशन कॉम्पोनेंट दिया गया है. तो ये आ गए आपके DV के. कोई लड़की इफ शी इज अ विक्टिम ऑफ डाउरी तो 498A उसके अंडर वो डाउरी का केस फाइल कर, केस मतलब FIR लॉन्च करा सकती है. फिर मैंने आपको बताया मेंटेनेंस, अगर स्पाउस के इनकम में गैप ज्यादा है देन दे गो हेड एंड फाइल फॉर 125 मेंटेनेंस एक्ट के अंदर, 125 CRPC के अंदर मेंटेनेंस, जिसमें उसका मेंटेनेंस बन सकता है. इंटरिम स्टार्ट होता है, फिर फाइनल मेंटेनेंस होता है, फिर उसके बाद फाइनल आ गया डिवोर्स.
either of the party can file for divorce basis certain grounds of divorce, जिसमें मैंने आपको point out किया था, mental harassment, cruelty हो गया आपका, adultery हो गया, insanity हो गया, impotency हो गया, etc. etc. तो वो सब ground हो गए. Suppose इन सब झमेलों में नहीं पड़ना and if you think peace and harmony के साथ जाना है, then you file for a mutual divorce, जिसका procedure मैंने आपको बताया, it's very simple and just take about 2 months. So ये सब हमारे पास जो है provisions law के अंदर है. I hope this video added some value in your life. So अगर किसी को किसी भी तरह का कोई question है तो comment में ज़रूर लिखें and don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.